यूपी के जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, सेमेस्टर जिसका भी हो गया, याद रखना वो किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं हो, उसमें सिंपल तरीके से पेपर सभी का एक जैसा आ रहा है, याद रखना एक जैसा पेपर बन रहा है सभी यूनिवर्सिटी का। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पेपर देख चुका हूँ, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन मैंने बताए थे वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं 2022 के एग्जाम में। यदि आप 2023 की तैयारी करेंगे या कोई भी कर रहा है या आने वाला है, ठीक है, आपका भाई बहन कोई भी है, तो उन्हें पेपर हैकर चैनल के बारे में बता देना कि पेपर हैकर से अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, बाकी कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। 2022 का पेपर देख लो, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है और ये नई शिक्षा नीति 2020 के थ्रू है, आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर पेपर बना है। बहुत ज्यादा आप लोग परेशान होते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आज मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे में शुरू सुना, मतलब यूपी का किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा लो सारे पेपर एक जैसे हो रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बदलाव नहीं है खास उनमें, ठीक है। तो यहां देखो मैं आपको दिखा दूं, इस यूनिवर्सिटी में जो पेपर पूछा गया है इसमें दो तरीके के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मुझे नहीं भेजे हैं उस बच्चे ने, जो भी भेज रहा है यार यूनिवर्सिटी का नाम जरूर भेज दिया करो। अब यहां देखो शॉर्ट क्वेश्चन जो बोले गए हैं इसमें आपको 50 वर्ड में आंसर देना होता है, ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर का हो जाता है और लगभग मुझे लगता है ये जो है वो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से आया हुआ पेपर है, ठीक है। तो आप यहां देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ये जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, 20 नंबर का है, ठीक है। अब देखो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, पूरा क्वेश्चन वही फंसा है, संगणन क्या होता है, संगणक क्या है, ठीक है, तो मतलब कंप्यूटर, संगणक को कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर है क्या, हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर है क्या, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या होता है बताओ। उसके बाद में आपसे पूछा गया संगणक जिसे बोलते हैं, उसके बाद बोला गया सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर के बारे में हमसे पूछ लिया इस क्वेश्चन में देखो। उसके बाद में हमसे ये पूछा है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है, आप देख सकते हैं, जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है, इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिस्कस किया गया है, रैम क्या होती है, देखो जो इंपॉर्टेंट हमने दिए थे वही क्वेश्चन, और काफी यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस यहां पे इतने जो क्वेश्चन बने हैं ना इतने ही क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाते हो, तो आप जितने भी किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं यूपी के फर्स्ट सेमेस्टर से, मतलब देखो सिलेबस सभी का एक जैसा है फर्स्ट सेमेस्टर का, कोई चेंजेस नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप बस इतना पढ़ लेना वही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ करें जो जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बारे में इंपोर्टेंट नहीं दिया तो इसको छोड़ दीजिए। कंप्यूटर देखो यहाँ करें, कंप्यूटर सिस्टम में जो ALU होता है ना उसकी भूमिका क्या होती है, ALU की भूमिका के बारे में पूछा गया है, कंप्यूटर में ALU की भूमिका क्या होती है, ठीक है। और यहाँ देखो DOS का कार्य क्या होता है, ये भी मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, ठीक है। डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया, सारे वही फंसे जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। वर्ड ब्रेसिंग क्या होता है, पूरा क्वेश्चन वही आया है देखो बस, और यहाँ बोला गया बस जो टोपोलॉजी होता है, ठीक है, टोपोलॉजी के बारे में पूछा गया, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं दिया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखो 2 क्वेश्चन नहीं फंसे हैं 10 में से, आप 8 नंबर मतलब 8 क्वेश्चन फंसे हैं तो 2 नंबर के हिसाब से 16 नंबर के आप तो ये हो जाते हैं, 16 नंबर के आपके हो गए। अब यहां देखो सेक्शन नंबर बी में पहुंच जाइए, सेक्शन नंबर बी में 5 क्वेश्चन करने हैं 200 वर्ड में, मतलब क्या है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन नंबर बी में, ठीक है। अब सेक्शन नंबर सी उन्होंने भेजा नहीं है मुझे। अब यहां 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देना है, कोई 5 क्वेश्चन आंसर दीजिए, 5 आपके 7 नंबर का हिसाब से 5 क्वेश्चन 35 नंबर के हो जाते हैं, ध्यान से रखो 35 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ जो बात की जाए, उन्होंने मुझे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भेजे हैं, तो आप पूरा पेपर को भेजा करो जो भी भेजा करे, और यूनिवर्सिटी का नाम और अपना नाम लिख दिया करो, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं मैं आपका भी नाम लूं और आपके यूनिवर्सिटी का भी नाम लूं, ठीक है। तो इस बात को पेपर को पूरा भेजना है। अब यहाँ देखो 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 200 वर्ड में आंसर देना है। अब यहाँ 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब देखो यहाँ कह रहा है पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का वर्णन करना है। पूरा क्वेश्चन भाई आया कि 5 पीढ़ियों मतलब जितनी पीढ़ियां थी, जितने चरण हुए थे कंप्यूटर का, जिस जिस चरण में उसका, ठीक है, खोज की गई थी, मतलब नए नए कंप्यूटर बने गए थे, उनके बारे में आपको 5 पीढ़ियों का वर्णन करना है। यदि आप ये क्वेश्चन ना कर सके तो ये क्वेश्चन तो बना बना के कर सकते हो कि कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या होती है, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में लिख दो, ठीक है, सब कुछ लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ बोला गया है प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर तो आप जानते हो, प्रिंटर जैसे हम क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं ना, मतलब जो प्रिंट वगैरह करते हैं हम लोग, वो प्रिंटर के बारे में आपको थोड़ी डिस्कस करना है, ठीक है। और प्लाट्स क्या होता है, प्लाट्स के बारे में इंपोर्टेंट दिया, लेकिन प्रिंटर के बारे में इंपोर्टेंट दिया था, ये पूरा क्वेश्चन फंस चुका है, ठीक है। 3.5 नंबर का मान लीजिए, ये 7 नंबर का ये फंस चुका है, देखो पहला क्वेश्चन, ये भी 5 पीढ़ियों के बारे में बताया था मैंने, पूरी 7 पीढ़ी है, 7 पीढ़ियों के बारे में पूरा 5 पीढ़ी सब पूछ रखा है। डाटा बेस क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा क्वेश्चन वही फंसा है, देखो 7 नंबर का ये जो बताया था। एमएस जो कह सकते हैं एमएस विंडो होती है, एमएस विंडो के बारे में नहीं दिया था, छोड़ दीजिए इसको। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूरा क्वेश्चन दिया था, पूरा फंसा है 7 नंबर का, देखो, ठीक है। लेन क्या होता है और लाइन, ये दोनों में अंतर मैंने आपसे कहा था, ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा क्वेश्चन फंसा है, देखो 7 नंबर का। संख्या पद्धति क्या होती है, उनका लेख बताइए, नंबर सिस्टम के बारे में आपसे पूछ लिया गया, ये पूरा क्वेश्चन वही फंसा है, देखो। ये भी हमारा बाइनरी नंबर वगैरह मैंने आपको दिए थे, ये भी 7 नंबर का फंसा है, देखो। तो मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन फंसे हैं जो मैंने आपको बताए थे पेपर। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 में जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए वही पढ़ के जाइए, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं।
नहीं है। अब लॉन्ग क्वेश्चन भी जो होंगे ना 20 नंबर के, लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर के थे, 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन करने थे, चार क्वेश्चन आते हैं, वो हमें भेजे नहीं है। और ये क्या है, अवध यूनिवर्सिटी का पेपर, आप देख लीजिए, मतलब यूनिवर्सिटी कोई सी उठा लो सारे पेपर ऐसे ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और हाँ, जो पेपर आपका हुआ करे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग सेंड करेंगे, व्हाट्सएप नंबर 7037 32, ठीक है, 78 और 38 है, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है 38, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7037 32 78 और 38, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप अपना नाम लिखेंगे और पेपर का फोटो खींच के भेजेंगे जो पेपर आपका हो रहा है, और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये इतना आपको करना है ताकि मैं आपका नाम भी ले सकूं जब वीडियो बनाऊं कि इन्होंने मुझे भेजा है पेपर, और आपकी यूनिवर्सिटी को प्रॉपर तरीके से क्लियर कर सकूं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।